तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। प्रवक्ता अलका लांबा के बयान पर कांग्रेस का यू टर्न। जी हां, कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान को अनाधिकृत बताया है और अलका ने दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया था। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दावा किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाडवरिया की मौजूदगी में ये फैसला लिया जा चुका है कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अलका लांबा के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान मच गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता दीपक को सफाई भी देनी पड़ी। 7 महीने 7 सीटें हैं, ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7ों पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना, और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिस जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही है, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन, she is not a authorized spokesperson for talking on such major important issues. जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है, और जो है जहां मैंने when I have said as an incharge कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए आम आदमी पार्टी का क्या कहना है इस पर। इस वक्त एक ही सोच सबकी होनी चाहिए कि 2024 में इस देश को माननीय मोदी जी से कैसे मुक्ति मिले। जो कोई भी भारत को प्यार करता है, जो कोई भी भारत के संविधान को प्यार करता है, वो अपनी तुच्छ राजनीति आगे नहीं आने देगा। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी फैसला लेगी और पार्टी अपने पूरे मंतव्य को जनता के सामने रखेगी। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए।